दुनिया के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंदिर, जहां पर आप चले गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर चार वाला मंदिर है सबसे चमत्कारी। नंबर एक कामाख्या मंदिर। असम में स्थित कामाख्या माता का मंदिर माता के सबसे अच्छे शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर काफी रहस्यमय और चमत्कारी माना जाता है। माना जाता है कि देवी साल में 5 दिन के लिए रजस्वला भी होती है। उस समय पर ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाती है। शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर दो काल भैरव मंदिर उज्जैन। उज्जैन के अंदर काल भैरव का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहाँ मूर्ति मदिरा पान करती है, जहाँ पे इनको मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पर आने से शनि की पीड़ा का तुरंत उपचार हो जाता है। मूर्ति को न केवल मदिरा चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अपनी कथाओं के अनुसार भगवान बालाजी ने एक बार कुबेर जी से अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी रकम उधार ली। मान्यता ये है कि उस उधारी के कर्जे को चुकाने के लिए आज भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। श्रद्धा से यहाँ पर जो लोग आते हैं वो नगद है, सोना और चांदी चढ़ाते हैं। इसकी एक खासियत ये भी है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया में सबसे अमीर मंदिरों में नंबर एक पर आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। नंबर चार मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी अम्मन मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माता पार्वती को समर्पित मंदिर है। वास्तुकला के लिए यह मंदिर दुनिया के अंदर अपनी पहचान रखता है। यह मंदिर दुनिया के या इंडिया के जितने भी मंदिर उनमें सबसे अलग इसलिए है कि यहाँ पर भगवान शिव की और माता पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने माता पार्वती से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। नंबर पाँच सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला के अंदर भगवान अयप्पन का मंदिर है। ये भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप का ही अस्तित्व है। इस मंदिर के अंदर मासिक धर्म वाली महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं। और नंबर छह करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर के अंदर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपने काफी ज्यादा रहस्यों के कारण जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर 25,000 से भी ज्यादा काले चूहे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति चूहों की जूठी चीजें खाने से ज्यादा उसे फेंकना पसंद करता है। और इस मंदिर के अंदर चूहों का जूठा प्रसाद ही भक्तों को दिया जाता है। और इस प्रसाद को खाने के बाद आप सब को नमाज भी नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे चूहों के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है और माता करणी चारण जाति की कुलदेवी है।